गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही अच्छी न्यूज और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो कि निकल के आई है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के द्वारा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये अच्छी खबर जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ सके और आप इसका जो है पूरा तरीके से बेनिफिट ले पाए और अपनी टैक्स लाइबिलिटी जो है अकॉर्डिंगली जमा कर सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटी में छोटे टैक्स पेयर्स के लिए आई बड़ी खबर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो मैं न्यूज शेयर करने वाला हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। इसके अंदर जो नोटिफिकेशन की जिक्र किया गया है उस नोटिफिकेशन के बारे में भी आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे आगे चलने से पहले अभी करूंगा एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आगे भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी अपना बेनिफिट जो है अकॉर्डिंगली ले सके। तो मैं आपको लेकर के चलता हूं सबसे पहले प्रेस रिलीज में और उसके अंदर जो नोटिफिकेशन का जिक्र किया गया है वो दिखाने के बाद फिर हम लोग चलेंगे उस नोटिफिकेशन के अंदर। ये है हमारे पास जीएसटी काउंसिल का प्रेस रिलीज जो कि 21 जून 2019 को निकल के आया था सामने। उसका जो लास्ट पॉइंट है उसमें बताया गया है लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ इंटीमेशन इन फॉर्म जीएसटी CMP02। CMP02 कौन सा फॉर्म है? ये बेसिकली वो फॉर्म होता है जिसको फाइल करना होता है जब आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। सपोज आप रेगुलर स्कीम में हैं, रेगुलर स्कीम से आप जाना चाहते हैं कंपोजिशन में, तो आपको जो फॉर्म फाइल करना है वो CMP02 होता है। तो उसका जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है किस केसेस के लिए? फॉर अवेलिंग द ऑप्शन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 7th मार्च 2019 टू बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 30 अप्रैल 2019 टू 31 जुलाई 2019। जी हां फ्रेंड्स, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं एज पर द नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, क्या है ये स्कीम अभी मैं आपको बताता हूं, तो उसका जो डेट है फाइलिंग के लिए उसको ऑप्ट करने के लिए आपके लिए जो डेट है वो 30 अप्रैल 2019 से बढ़ा करके 31 जुलाई 2019 कर दिया गया है। पहले इस डेट को 30 अप्रैल किया गया था, उसी का एक्सटेंशन मिला है अब 31 जुलाई तक। मतलब आप कॉम्पोजिशन में जा सकते हैं 31 जुलाई 2019 तक ऑप्ट करके अंडर नोटिफिकेशन 2/2019। अब दिखाता हूं मैं आपको नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट। इसी नोटिफिकेशन के हवाले से जो स्कीम लॉन्च की गई थी उसको ऑप्ट करने के लिए डेट फाइलिंग ऑफ CMP02 का जो है एक्सटेंशन दिया गया। इसके अंदर जो बातें बताई गई है वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि क्या इसके अंदर डिस्कस किया गया है। यहां बताया गया है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्ड बाय सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द CGST एक्ट the central government on the recommendation of the council on being satisfied that it is necessary in the public interest to do hereby notifies the central tax on the intrastate supplies of goods or services or both as specified in column number 1। इस लाइन से ये समझ आया कि अगर आपने इंट्रास्टेट सप्लाई किया है चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज हो या फिर वो दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई की बात नहीं की गई। तो नंबर एक पॉइंट, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो आप नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 का बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आप इंट्रास्टेट सप्लाई करते हैं मतलब आप सेम स्टेट में अगर सप्लाई करते हैं लेकिन चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो दोनों ही केस में आप इस कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट जो है वो ले पाएंगे। हालांकि सेक्शन 10 का जो कंपोजिशन है वहां पे सर्विसेज को किसी अलग तरीके से डिफाइन किया गया है और वहां पर अगर आप सर्विस के लिए एलिजिबल हैं तो वहां पर आपको कंपोजिशन पे जाने के लिए 5 लाख का टर्नओवर वाला जो कैलकुलेशन है वो चेक करना पड़ता है। Shall be levied at the rate specified in the corresponding entry in column 2 subject to the conditions as specified in column 3। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या कंडीशन दी गई है इस स्कीम को फॉलो करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट बताया गया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई, किस प्रकार की सप्लाई पे ये कंपोजिशन स्कीम लिया जा सकता है। फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख रुपीस मेड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल इन एनी फाइनेंशियल ईयर बाय रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब पहले 50 लाख तक के टर्नओवर के लिए, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में पहले 50 लाख तक के टर्नओवर के लिए
आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं और उसके अंदर जो है टैक्स रेट आपको जमा करना होगा सेंट्रल टैक्स के अंदर 3%, मतलब कुल जमा हो जाएगा सीजीएसटी 3%, एसजीएसटी 3%, 6% टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा पहले 50 लाख तक के इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ के केस में। लेकिन ये स्कीम लेने से पहले आपको जो है कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा। कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहला, सप्लाईज वेयर मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। सप्लाईज जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन से होना चाहिए और उसका रजिस्टर्ड पर्सन का क्या क्या चीज फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहला, हूज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज 50 लाख रुपीज और बिलो। आपका पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख से उससे कम का हो। हु इज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द सेड एक्ट। आप ओरिजिनल जो कॉम्पोजिशन स्कीम है एज पर सेक्शन 10 उसके लिए एलिजिबल नहीं होने चाहिए। अगर आप उसमें एलिजिबल हो गए तो आपको वही वाला स्कीम ऑप्ट करना है, आप इस वाले स्कीम के अंदर नहीं जा सकते। हु इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई व्हिच इज नॉट लेवियबल टू टैक्स अंडर द सेड एक्ट। आप ऐसी कोई भी सप्लाई न कर रहे हो जिसके अंदर जीएसटी का लेवी नहीं लगता है, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह वगैरह। उसके बाद है, हु इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करेंगे तभी आप इस स्कीम का जो है बेनिफिट ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाईज के लिए आपको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। हु इज नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के कैटेगरी में भी नहीं होने चाहिए। अगर आप नोटिफिकेशन 2/2019 का बेनिफिट लेना चाहते हैं और अपनी पहली 50 लाख तक की टर्नओवर पे 6% का टैक्स जमा करना चाहते हैं। हु इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। आप ऐसा कोई भी सप्लाई नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जहां पर आपकी टीसीएस काटने की लायबिलिटी बनती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की। अगला है, हु इज नॉट एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ द गुड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हिच इज स्पेसिफाइड इन द कॉलम 3 ऑफ द एनेक्सल बिलो एंड फॉलिंग अंडर द टैरिफ आइटम सब हेडिंग हेडिंग और चैप्टर एज द केस मे बी एज स्पेसिफाइड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इन द कॉलम 2 ऑफ द सेड एनेक्सल। यहां पे कुछ स्पेसिफिक गुड्स दिए हैं, अगर आप इस स्पेसिफिक गुड्स के अंदर डील करते हैं तो भी आप इस बेनिफिट का नहीं ले पाएंगे, स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं मैं आपको इसके बाद अभी तुरंत बता देता हूं कि कौन कौन सा वो जो गुड्स है जो स्पेसिफाई किया गया है इसके बाहर। ये है आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ। ये वाला सबसे पहला गुड्स है, अगर आप आइसक्रीम के अंदर डील करते हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। पान मसाला अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उसके बाद ऑल गुड्स दैट इज टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। अगर आप टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स का ट्रेडिंग करते हैं तो भी आप इस स्कीम का बेनिफिट जो है नहीं ले पाएंगे। तो ये तीन गुड्स छोड़ करके बाकी सारे गुड्स पे ये चीज लागू हो जाती है। अगला जो पॉइंट निकल के आता है वो है, वे मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम पैन नंबर इशूड अंडर द इनकम टैक्स सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाईज बाय ऑल सच रजिस्टर्ड पर्सन इज पेड एट द स्पेसिफाइड इन कॉलम नंबर 2। कहने का मतलब है कि अगर आपका एक पैन पे 4 जीएसटी नंबर है तो अगर आपने किसी एक पैन के ऊपर ये वाला स्कीम ले लिया है तो आपको चारों पैन के चारों जीएसटी नंबर पे इसी स्कीम के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना होगा। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑन सप्लाईज मेड बाय हिम नॉर शैल बी एंटाइटल्ड टू एनी क्रेडिट ऑफ द इनपुट टैक्स। मतलब आपको ना तो आपकी परचेजेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और ना ही जो भी आप सप्लाई करेंगे उसके अंदर आप टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे और सामने वाले से टैक्स भी आप कलेक्ट नहीं करेंगे। जो भी आपको करना है पहले 50 लाख तक का जो 6% जमा करना है वो आपको अपनी जेब से जमा करना होगा और आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा आपके परचेजेस का। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस अ बिल ऑफ सप्लाई एज रेफर्ड टू इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 ऑफ द सेड एक्ट Within the particulars as prescribed in Rule 49 of the CGST rules, और आप tax invoice issue ना करके आपको जो issue करना होगा वो bill of supply करना होगा, similar to the case of composition scheme. The registered person shall mention the following words at the top of the bill of supply, namely, taxable person paying tax in reference of notification number 2/2019 central tax rate dated 7th March 2019. Not eligible to collect tax on supplies. और जो आप bill of supplies छपाएंगे, उस bill of supplies के ऊपर आपको ये चीजें mention करवानी होगी कि आप एक taxable person हैं, paying in terms of notification number 2/2019 central tax rate dated 7th March 2019, not eligible to collect tax. ये wordings आपको अपने bills of supply पे छपाना mandatory होगा।
the registered person opting to pay central tax at the rate of 3% under this notification shall be liable to pay central tax at the rate of 3% on all outward supplies specified in column 1, notwithstanding any other notification issued under subsection 1 or section 9 or section 11 of the said act. मतलब और कोई भी चीज आप उसके अंदर सप्लाई करते हैं तो सारे चीजों पे आपको 6% जो है फुल टैक्स जमा करना होगा, चाहे उसके अंदर किसी भी नोटिफिकेशन से और कोई रेट प्रेस्क्राइब किया गया हो, उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है. The registered person opting to pay tax, central tax at the rate of 3% under this notification shall be liable to pay central tax on inward supply on which he is liable to pay tax under subsection 3 or as the case may be under subsection 4 of section 9 of the said act at the applicable rate. मतलब आपको यहाँ पर reverse charge का जो payment करना है वो भी applicable किया गया है. अगर आप इस scheme को opt करते हैं तो आपको reverse charge के अंदर जो liabilities है वो भी आपको pay करनी होगी, उससे भी आप छुटकारा नहीं पा सकते. तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो कि आपको समझना होगा नोटिफिकेशन 2/2019 का जो दिया गया है. इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए CMP02 का जो फाइलिंग डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई 2019 तक. चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं. आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और अगर वो बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसका बेनिफिट जो है CMP02 फाइल करके ले सकते हैं. अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे. अगर आपने हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया था उसे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.